तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के अंदर वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग में सिलेक्शन मेथड कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा, हम डेटा को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ये आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरीके से हम अपना एक रेंज को, एक एरिए को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं विजुअल बेसिक पे आया, इंसर्ट मॉड्यूल पे गया और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आरआर करता हूं मैं, और यहाँ पे मैंने दे दिया रेंज। रेंज यहाँ पे हमने लिखा A1, A1 से लेके मैंने यहाँ पे क्या था आपका L19, हमने L19 दे दिया डॉट सेलेक्ट, ठीक है, A1 से लेके L19। दूसरा हमने बताया था VVA का मेथड। VVA का मेथड क्या था, A1, L19, ये VVA का मेथड। अब बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है, हम ऊपर वाला आसान लग रहा है, हम बताएंगे क्योंकि VVA में स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन, जैसे मैंने आपको वीडियो में देखो बताया था कि शिफ्ट के साथ हम लास्ट में क्लिक करते हैं तो पूरा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सेम प्रोसीजर पर करता है कि ऊपर में क्लिक करेगा और लास्ट में क्लिक करेगा, डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कर्सर मूव करने का, कि हम कंट्रोल प्रेस करके नीचे आते हैं ना, इस पे हमने कर्सर रखा और कंट्रोल प्रेस किया और नीचे आ गया जी। अगर तो ये वीवी के थ्रू कैसे करेंगे, इसके लिखेंगे रेंज यहाँ पे A1 डॉट एंड एक्सेलस डाउन डॉट सिलेक्ट, समझे जी, ए ऊपर से लेगा और डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। और लेफ्ट लाइट अप करना है तो इसमें आपने जैसे किया था तो दिखा ना आपको सर, यहाँ पे डाउन लेफ्ट राइट अप कर सकते हैं यहाँ से, बट जैसे हम डाउन किया तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो ये यहीं पर रह जाएगा ना। मुझे तो अपने लास्ट डेटा में चाहिए, इसका यूज बहुत होता है, लास्ट डेटा में चाहिए, जैसे मान लो लूप लगाना है या पूरा डेटा कॉपी करना है तो लास्ट तक पहुंचना होगा ना सर जी। तो कैसे पहुंचेगा लास्ट तक, तो एक तरीका है जो कि मैं यूज करता हूं, अगर कोई बता रहा है आपको तो मेरी तरीका नकल किया उसने। हम करते हैं एक्सेल 65000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट, समझे। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने मिसाल पे बताया था ना कि 65000 पे जाएगा और कंट्रोल के साथ अप आ जाएगा। आ गया, इसके ऊपर जितना ब्लैंक है इससे इसको कोई मतलब नहीं, कोई भी ब्लैंक, कितना ही ब्लैंक क्यों ना हो उसको उसको कुछ से कोई मतलब नहीं, ऊपर पहुंच जाएगा जी। समझ गए, हाँ सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात आती है कि सिलेक्शन का, हाउ कैन सिलेक्ट, मतलब कि मुझे डेटा इस तरह सिलेक्शन कर, सिलेक्ट कैसे से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कल बताया था कि हम पहला तो हम करेंट रीजन कर लेंगे, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, करेंट रीजन, करेंट एरिया हो गया, माफ कीजिएगा, डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ठीक है। बट उसमें छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जब यहां टाइप कर देते हैं, ऊपर में टाइप कर दीजिए, इसके ऊपर टाइप कर दीजिए, ये पूरा का पूरा इसको भी सिलेक्ट कर लेता है। सो मैं करना चाहता हूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, ये कैसे करेंगे। तो यहां पे हम इस वाले मेथड का इस्तेमाल करें,
हम यहाँ पे दिया रेंज, रेंज में हमने दे दिया स्टार्टिंग ए वन दे दिया, फिर एंडिंग में बोलते हैं कि रेंज ए वन से डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा कि यहां पे कर्सर रखेगा और सबसे लास्ट में जाएगा और इस पे क्लिक कर देगा, मतलब यहां पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेगा, सो लेफ्ट एरो, माफ कीजिएगा, सिलेक्शन हो गया। अब मुझे इसी सिलेक्टेड एरिया को डाउन की तरफ लेके आना है, तो सिलेक्टेड एरिया को लेके आना है तो हम यहां इसी यहां पे सेम लिखेंगे रेंज, स्टार्टिंग पोजीशन है हमारा सिलेक्शन जो सिलेक्ट किया हुआ है और एंडिंग पोजीशन है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप, एक्सेल डाउन होगा ना, एक्सेल डी ओ डाउन डाउन डॉट सेलेक्ट, मतलब जो सिलेक्ट किया हुआ है वहां से डाउन ले है। जी हाँ, तो ये पूरा सिलेक्शन कर लेगा, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी कि मान लीजिए कि यहां पे और यहां पे दो जगह पे कर डेटा ब्लैंक है, तो क्या करेगा कंट्रोल शिफ्ट इसको सिलेक्ट कर लेगा, हाउ कैन सिलेक्ट। तो उसके लिए दो तरीके, एक तो करेंट रीजन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं दो चीजें, एक आपने लिया सी, सी इक्वल टू रेंज एक्स एफ डी वन, एक्स एफ डी वन को है आपका लास्ट कॉलम डॉट एंड एक्सल टू राइट डॉट कॉलम, ये क्या करेगा सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में गया एक्स एफ डी वन, दिख रहा है आपको एक्स एफ डी वन सर, यहां से कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करके आएगा सबसे लास्ट वाले कॉलम पे, और इसका जो कॉलम नंबर है, इसका जो कॉलम नंबर हुआ कितना हुआ 12, जो कॉलम नंबर है वो कॉलम नंबर किसको दे देगा सी को। देन आर पे हम सेम करेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो रो, जी हाँ, तो आर रो नंबर एंड कॉल नंबर मिल गया, देखिए तो नंबर में मिला हुआ है ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें तो क्या यूज करेंगे इसमें हम सर, इसमें ब्लैंक्स रहेगा तो ब्लैंक्स को लेके हम सेल्स 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 यूज होगा, लास्ट बताया ना कल क्लास में सेल्स का, हाँ हाँ सेल्स मतलब, तो ये हम देंगे कि हम स्टार्टिंग पोजीशन तो हमारा ए वन है, एंडिंग पोजीशन के लिए हमने सेल्स आर कॉमा सी कर दिया, आर रो कॉलम सी कॉलम नॉट सेलेक्ट, बात समझ में आया कि नहीं। हाँ सर, ये तो क्या हुआ कि यहाँ आर से 19 नंबर 12 नंबर रो एंड 19 नंबर कॉलम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, हाँ हाँ, और ए वन हमने दे दिया है, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा आपका ए वन और लास्ट नंबर रो, ये सब सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस पे, इस लॉजिक पे, स्टार्टिंग और एंडिंग पे, यहाँ स्टार्टिंग ए वन हो गया और एंडिंग जो एल लाइन तीन के जगह पे एल लाइन तीन जो है सेल दे देगा उसको, यहाँ पे हमने दो कोड को आपस में कंबाइन किया है। सर एक सेकंड पॉज करेंगे क्या, एक मिनट पॉज करेंगे क्या, एक मिनट पॉज करिए सर। हाँ बोलिए, ठीक है, तो यहां पे आपने देखा, समझ में आ गया आपको ये? अब हम बात कर रहे हैं सबसे लास्ट वाले सेल की अगली ब्लैंक सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो प्रोजेक्ट इस पे डिपेंड है, अगला जो प्रोजेक्ट है इसी पे डिपेंड है, क्या बोल रहे सर, वो लास्ट वाला समझ में नहीं आया था, लास्ट वाला आर कॉमा सी,
वो एक बार दोबारा बता दीजिएगा। हमने आपको कल बताया था कि हम रेंज को सेलेक्ट करने का दो कोड इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है रेंज A1, ठीक है, डॉट सेलेक्ट, दूसरा बताया था आपको सेल्स, सेल्स में हमें 1,1 रो 1,1 डॉट सेलेक्ट। तो हमारे हमें अपने मेरे जो मेरा डेटा है उसका स्टार्टिंग पोजीशन पता है कि A1 से स्टार्ट है, बट एंडिंग पोजीशन नहीं पता है। तो एंडिंग पोजीशंस के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने बोला कि भाई इससे लास्ट कॉलम से जाओ राइट में आओ उसका कॉल नंबर ले लो, एंड पीछे से ऊपर जाओ इसका रो नंबर ले लो। तो अच्छा, पे 19 नंबर रो एंड 12 नंबर कॉलम। अब प्रॉब्लम ये है कि A1 V1 C1 होता तो हम डायरेक्ट किसके जरिए डालते, बट ये तो नंबर कॉलम में है, तो इसके लिए हमने क्या किया जी, हमने इसके लिए यहाँ प्रिंट करा दिया जी, हाँ सेल्स के अंदर में, समझ गए, अब आया समझ में जी। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे सबसे मेरा सेल्स है सर, ये कॉलम है, कौन सा सेल्स, सी कॉलम है, सी मेरा सेल्स ये कॉलम है सर, अच्छा कॉलम है सर, ठीक, ये वेरिएबल्स मैंने लिया हुआ ना, ठीक कॉलम है ना, ठीक है सर, ठीक है ओके। अब इसमें इसमें अगला ऑप्शन आता है, ये तो हो गया, अब आता है कि मैं नीचे से नीचे आऊं और इसकी एक ब्लैंक रो पे जाऊं, यहां से नीचे से यहां पे आऊं, ठीक है, मतलब लास्ट की अगली एक ब्लैंक लाइन। तो क्या करेंगे इसके लिए, दो तीन तरीके, पहला A1 dot and xls down dot offset 1,0, इसमें 1 क्या है 0 क्या है, 1 आपका रो हुआ 0 कॉलन हुआ, मतलब कि A down तक क्या करेगा, A कोड क्या करेगा, एक कोड आपका यहां से डाउन एरो प्रेस करके यहां तक पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अब ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट को मैंने बोला कि 1 row and 0 column, एक रो नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको बोलूंगा कि 2 row and 3 column, तो क्या करेगा, यहां से 1, 2, 3, 1, 2, अच्छा पहुंचेगा, ठीक है ना। और जैसे 3 column आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है सर, ठीक है ना, यहां पहुंच जाएगा। और आपने माइनस कर दिया, इसे मार्क कर दिया -3, तो ये क्या होगा कि यहां 2 पे आए, यहां 2 पे अभी इसमें आएगा, तो मुझे 1 की जगह पे यहां पे मान लीजिए जी करना होगा, ठीक है ना, हाँ। तो जी कॉलन पे यहाँ पे आ गया, 2 row है तो 1 और 2 यहाँ पे आ गया, हाँ। ठीक है, अब यहाँ से 0, 1, 2, 3 पीछे आएगा, तो माइनस में लगाते हो तो पीछे की तरफ जाएगा और प्लस में लगाते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है सर, समझ गया जी, डाउट इसमें नहीं, नहीं क्लियर है ना, हाँ सर, चलिए। अब इसी ऑप्शंस पे अगला जो एग्जांपल है वो है हमारा एक अगला प्रोजेक्ट, ठीक है ओके इसको